और लेफ्ट पैर के बड़े अंगूठे को सीलिंग की तरफ उठाया। लेफ्ट पैर का हील जो है वो मैट को टच कर रहा है और बॉडी का वेट अपने राइट पैर पर। अब देखिए आपका लेफ्ट पैर सीधा है तो इसका इफेक्ट हैमस्ट्रिंग्स पर आ गया ना, आपके आपके पूरी की पूरी थाइस पर, इनर थाइस पर आ गया ना, घुटनों पर भी आ गया ना, तो ये इस तरीके से मदद करेगा। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को पुश करें मैट पर। दोस्तों आज मैं आपको कुछ चुनिंदा ऐसे योगाभ्यासों के बारे में बता रही हूँ जिनका अभ्यास करके आप अपनी थाइस की फैट को कम कर सकते हैं। और सिर्फ थाइस की फैट की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपकी एंकल्स की मजबूती, आपके घुटने के आसपास की जो मसल्स हैं इनकी मजबूती, आपके घुटने के पीछे की जितनी भी मांसपेशियाँ हैं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपके पूरे के पूरे हिप रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी। इससे आपको ये भी मदद मिलेगी कि आपके जो जननांग हैं इनकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। तो ना सिर्फ थाई फैट बल्कि पूरे के पूरे पैरों को मजबूती मिलेगी आज के अभ्यास से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा और नीचे जो घंटी का निशान है इसको भी दबा दीजिएगा सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो कभी भी डालूँ या नेक्स्ट लाइव कभी भी आऊँ उसका अपडेट आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आइए सबसे पहले जिस आसन का अभ्यास कर रहे हैं वो ना सिर्फ आपकी थाइस बल्कि पूरे के पूरे मसल्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर देगी जिससे कि हम आगे के अभ्यास करने में बड़ी ही सहजता महसूस करेंगे। हम अभ्यास कर रहे हैं बद्ध कोण आसन या इंग्लिश में इसे कॉबलर पोज कहते हैं और हमारी आम बोलचाल की भाषा में हम इसे तितली आसन के नाम से जानते हैं। तो दोनों पैर के पंजों को आपने एक साथ जोड़ लेना है, ऐसे दोनों पैर के पंजों को आपने एक साथ जब जोड़ लिया तो अभी घुटना जो है थोड़ा सा फ्लोर के ऊपर है ना, तो इसको बॉडी के पीछे रख के हल्का सा अपनी बॉडी को इस तरीके से एडजस्ट कीजिए कि आपका घुटना थोड़ा सा नीचे की तरफ जाए। हो सकता है कि बहुत से लोगों का ऐसे टच ना हो लेकिन नीचे की तरफ जाए। अब दोनों हाथों को ऐसे घुटने की तरफ रखिए, घुटने के ऊपर रख लीजिए, सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए जैसे किताब को बंद करते हैं ना उस तरीके से दोनों घुटनों को एक दूसरे की तरफ लेके आइए, सांस लीजिए। यकीन मानिए आप पूरा अभ्यास आज बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा। सांस लेते हुए दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर करें इस तरीके से और सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे ऐसे एक दूसरे से बंद कर लें। अगर हो सकता है आपका घुटना ऐसे पूरा का पूरा फ्लोर की तरफ ना जाए और सिर्फ यहाँ तक है तो यहाँ तक अभ्यास कीजिए। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जितना आपको अलाउ करे उतना आपको अभ्यास करना है। बहुत तोड़ मड़ोड़, बहुत स्ट्रेस नहीं देना क्योंकि वो योग अभ्यास नहीं है। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अभ्यास करें और मैं आपके अभ्यास को देखूं, तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। आप सभी को करना क्या है कि नीचे जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है ना, इस व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि आपको क्लास के बारे में सारी डिटेल भेज दी जाए। आज की डेट में ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, उनको अपनी निगरानी में रखकर योग का अभ्यास कराती हूँ। अब उनको बहुत सी हेल्थ कंडीशन होती है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीजेज होती हैं जैसे थायराइड की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, इनफर्टिलिटी, पीरियड्स, पीसीओडी की समस्या, प्रोस्टेट का इनलार्ज हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर की समस्या, ओबेसिटी की समस्या, नींद ना आने की समस्या, ऐसी बहुत सी समस्याएं। तो मेरे स्टूडेंट्स योग अभ्यास करते हैं, उन रोगों से उभरते हैं, अपनी जो हेल्थ कंडीशन है उनसे उभरते हैं और पूरी ज़िंदगी योग का अभ्यास करते हैं। अब हम जो अगले आसन का अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है मलासन। अब इस आसन का अभ्यास जब आप करेंगे ना तो बहुत अच्छा इफेक्ट आपके हिप और हिप जॉइंट्स पर आएगा और थाइस की मसल्स बड़ी अच्छी तरीके से खींचेंगी, घुटने के आसपास की मसल्स भी बड़ी अच्छी तरीके से मजबूत होंगी, एंकल्स भी मजबूत होंगी क्योंकि पूरी बॉडी का भार आपके एंकल्स पर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों को ऐसे खोलना है और 45 डिग्री रखते हुए आराम से ऐसे स्क्वाटिंग पोजिशन पर जब आप बैठेंगे ऐसे, तो आपकी एड़ियाँ जो है अंदर की तरफ है और पैर के बड़े अंगूठे जो हैं वो बाहर की तरफ हैं ऐसे। अब क्या करेंगे आप, बहुत से लोगों के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग होगा जिनको आदत नहीं है। मोस्ट ऑफ इंडियंस को तो आदत है ऐसे स्क्वाटिंग पोजीशन पे, लेकिन आजकल हम इंडियंस भी ज़्यादातर ऐसे स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठते नहीं हैं। तो आप अपनी कमर के नीचे एक छोटी टेबल या
कोई स्टूल रख लें और फिर उसके बाद उसमें बैठ सकते हैं मालासन में, और दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर करके रखें। अब देखिए, मैंने जैसे बताया था एंकल्स पर भी आपके काफ़ी अच्छा दबाव आ रहा है, घुटनों पर भी खिंचाव आ रहा है, और हिप जॉइंट्स भी बहुत अच्छी तरीके से आपके ओपन हो गए हैं। ऐसे ये पोजीशन हो गई बैठने की। अब मलासन में फिर दोनों पाम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ लें और दोनों एल्बो से घुटनों को बाहर की तरफ पुश करें। जब आप इस तरीके से पुश करेंगे ना, तो स्पाइनल कॉर्ड आपकी सीधी होनी चाहिए, ऐसे गोल गोल ना हो, ऐसे झुकी हुई ना हो। तो जब आप मलासन की पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे नाइस एंड स्ट्रॉन्ग मलासन आपका होना चाहिए। सामने देखें, 5, 4, 3, 2, 1, 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड किया। अब धीरे से हिप अप करते हैं। कैसे? दोनों पाम्स को आपने ऐसे मैट पर रख दिया और यहीं से उसी पोजीशन पे धीरे से ऐसे हिप अप करें, और जैसे ही हिप अप करेंगे ना, तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से एंकल्स, घुटने, थाइस पर सब पर खिंचाव आ गया। इसको साइड से देखिए, मलासन की पोजीशन पे बैठ गए दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर करते हुए, और सामने देखते हुए पाम्स को मैट पर रखते हुए हिप अप और घुटने को सीधा कर लिया। हो सकता है बहुत से लोगों की हैमस्ट्रिंग्स टाइट हो, तो घुटने को ऐसे हल्का सा बेंड करके रखें, फिर उसके बाद फ्लोर पर बैठ गए। अब चूंकि फ्लोर का सपोर्ट मिल रहा है, तो हिप अप करने में ऐसे धीरे से, घुटना बेंड है नहीं, सीधा हो सकता तो बेंड करके रखें, ऐसे सीधा हो सकता है तो सीधा कर लें, जैसे आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। बड़ी आसानी आसानी से आपको अभ्यास करना है, ज़्यादा अपने आप को तकलीफ नहीं देनी है। सांसों की कंडीशन कैसी होगी? सांस लिया हिप अप और सांस छोड़ा हिप डाउन, सांस लिया हिप अप और सांस छोड़ा हिप डाउन, ऐसे। तो बहुत आराम आराम से ऐसे हिप को अप करना है और फिर हिप को ऐसे ड्रॉप कर देना है। अब मैं जैसे बता रही थी, स्टिफनेस अगर बहुत से लोगों की हो तो कैसे करेंगे? हिप के नीचे आप अपने कोई छोटी टेबल रख लें या स्टूल रख लें, या अगर आपके पास योगा ब्लॉक हो तो आप योगा ब्लॉक रख लें। तो अब स्टिफनेस ज़्यादा है अगर किन लोगों की, तो हम ऐसे स्टूल के ऊपर बैठ जाएंगे, ऐसे पाम्स को ऐसे फ्लोर पर रखेंगे और फिर धीरे से हिप अप करेंगे, और पूरा नहीं उठ सकते, इतना उठे फिर बैठ जाएं, इतना उठे और बैठ जाएं। यकीन मानिए, जिन लोगों को घुटने में दर्द है ना, उसके लिए ये प्रैक्टिस बड़ी ही ज़्यादा असरदार है आपके मसल्स को मजबूत करने के लिए। ऐसे हिप अप और हिप डाउन, हिप अप और हिप डाउन, ऐसे। तो आसान आसान तरीके से अभ्यास कीजिए, जैसे आपकी बॉडी आपको अलाउ करे वैसे। अब हमने मलासन का अभ्यास तो कर लिया, अब जो दूसरे आसन का अभ्यास हम करेंगे, उसके पहले अपने दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लें, और स्ट्रेच करने के बाद दोनों पैरों को ऐसे टैप कर लें। अब मैं जो अगले आसन का अभ्यास आपको बता रही हूँ, इसका नाम है स्कंध आसन। इस आसन को करना थोड़ा चैलेंजिंग है उन लोगों के लिए जिनके घुटने में दर्द है, या एंकल में दर्द है, या आपके हिप और हिप जॉइंट्स में दर्द है। अब इन आसनों का अभ्यास जब आप करेंगे, तो इनको मॉडिफाई करके भी तो किया जा सकता है। तो मॉडिफिकेशन मैं दो तरीके का बताऊंगी। तो आप सबसे पहले ऐसे वज्रासन में ना बैठ सके, कोई बात नहीं, मैं चूंकि आपको बता रही हूँ इसीलिए वज्रासन में बैठ गई। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों के बीच में कम से कम 3 फीट का फासला करें, और दोनों पाम्स को ऐसे मैट पर रखें, ऐसे सामने की तरफ, ऐसे दोनों पैरों के बीच में आपने फासला कर लिया, लगभग 3 से 3.5 फीट का फासला करें, और पाम्स को मजबूती से मैट पर रखें। आपकी रिस्ट, एल्बो और शोल्डर एक लाइन में रहे, ये ध्यान रखिएगा। अब धीरे धीरे ऐसे हल्का हल्का दोनों साइड, 1, 2, 1, 2, 1, जब आप इसका अभ्यास करते रहेंगे ना, तो थाइस, हिप जॉइंट्स, घुटना, सब पर आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, ऐसे धीरे धीरे। तो कुछ दिन आप इसको कम से कम 10 राउंड राइट, 10 राउंड लेफ्ट, ऐसे ऐसे कर ले रिपीटेशन, 10-10 की रिपीटेशन राइट और लेफ्ट साइड कर ले। दूसरे मॉडिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्कंधासन की तरफ। तो पहले हम ये अभ्यास अपने लेफ्ट साइड कर रहे हैं। इट डजेंट मैटर आप लेफ्ट साइड अभ्यास करें या राइट साइड। अब धीरे से अपनी बॉडी का वेट हमने शिफ्ट कर दिया ऐसे। हो सकता है कि आप जब इस तरीके से बैठें, तो पूरी एड़ियां आपको मैट पर रखने में दिक्कत आए, तो हल्की सी एड़ियां ऐसे उठा लें ऐसे, और जो राइट पैर की एड़ी जो है वो फ्लोर की तरफ है,
राइट पैर का बड़ा अंगूठा वो सीलिंग की तरफ है। दोनों पाम्स को ऐसे मैट पर रखा है। अगर एड़ियां नीचे रख सकते हैं तो नीचे रखें और ऐसे धीरे से फ्लोर को पुश करते हुए अब राइट पैर के पंजे को अंदर की तरफ रखा और धीरे से अपनी बॉडी का वेट शिफ्ट कर दिया अपने राइट पैर पर और लेफ्ट पैर के बड़े अंगूठे को सीलिंग की तरफ उठाया। लेफ्ट पैर का हील जो है वो मैट को टच कर रहा है और बॉडी का वेट अपने राइट पैर पर। अब देखिए आपका लेफ्ट पैर सीधा है तो इसका इफेक्ट हैमस्ट्रिंग्स पर आ गया ना, आपके आपके पूरी की पूरी थाइस पर, इनर थाइस पर आ गया ना, घुटनों पर भी आ गया ना, तो ये इस तरीके से मदद करेगा। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को पुश करें मैट पर और बॉडी वेट शिफ्ट कर दें अपने लेफ्ट साइड ऐसे, और फिर उसके बाद पुश करें और दूसरी तरफ अपनी बॉडी का वेट ऐसे शिफ्ट कर दें। तो शुरू शुरू में अगर चैलेंज ज़्यादा लगे तो 5 राउंड कर लीजिए, फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास डेवलप होता जाए तो इसका अभ्यास बढ़ा दीजिए। पुश किया और धीरे से बॉडी वेट हमने शिफ्ट कर दिया ऐसे लेफ्ट साइड और पैर कैसे उठ गया ऐसे, फिर उसके बाद शिफ्ट कर दिया राइट साइड ऐसे। तो ऐसे अभ्यास धीरे धीरे करते रहें और धीरे धीरे करके प्रोग्रेस तो ज़रूर होनी ही होनी है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो फ्लेक्सिबिलिटी आनी ही आनी है, अगर स्ट्रेंथ कम है तो स्ट्रेंथ आना ही आना है, अगर दर्द है जॉइंट्स में तो उसको जाना ही जाना है। अब हम अगले आसन का अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है उत्कट आसन या इंग्लिश में इसे चेयर पोज कहते हैं। इस आसन का अभ्यास करने के लिए जिनके घुटने में दर्द है वो दोनों घुटनों के बीच में फासला रखें, कमर जितना फासला रखें। जिनके घुटने में दर्द नहीं है वो दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़ लें। अब दोनों हाथों को आप छत की तरफ उठाएंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हिप को पुश करेंगे। सांस लिया और हिप को पीछे पुश करते हुए होल्ड करें पोस्चर को, 1 2 3 4 5। सांस लें और धीरे से दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रखें और खड़े हो जाएं। अब इसको थोड़ा हम डायनामिक करते हैं, यानी लाइक ऐसे रिपीटेशन करते हैं, है ना। तो दोनों पैरों के बीच में या तो फासला कर लें या जोड़ लें, दोनों चॉइसेस आपके पास हैं। सांस लें और सांस छोड़ते हुए हिप बैक, फिर सांस लें खड़े हो जाएं, सांस लें सांस छोड़ें, सांस लें सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें ऐसे। तो कम से कम इसका अभ्यास 10 से 15 बार कर लें और इसके 3 सेट बना लें। 15-15 के 3 सेट करेंगे तो कम से कम 45 राउंड ऐसे हो जाएगा। अब अगले आसन का जो अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है उत्कट कोण आसन। इस आसन को करने के लिए दोनों पैरों के बीच में आपको कम से कम 3 से 3.5 फीट का फासला रखना है। दोनों पैर की जो हील्स हैं, एड़ियां हैं, इनको अंदर की तरफ और बिग टोस बाहर की तरफ ऐसे ऐसे, और पूरी की पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको सीधा रखते हुए हिप को जितना हो सके ऐसे नीचे की तरफ पुश करें, जिससे कि आपका घुटना और आपके पैर की जो एंकल्स हैं वो एक लाइन में हो जाए ऐसे। तो आप चाहें तो ज़्यादा अगर कंफर्टेबल नहीं है तो ऐसे कुछ देर होल्ड करें और फिर उसको रिलीज़ कर दें ऐसे। और अगर थोड़ा सा इसको फ्रीक्वेंसी में अभ्यास करना चाहते हैं तो सांस लें, जॉइन योर पाम्स टुगेदर अबव योर हेड, और सांस छोड़ें, पाम्स को वापस से थाई पर रख दें। सांस लें और सांस छोड़ें, 3 एंड वापस से सांस लें, 4 एंड वापस से आ जाएं इनिशियल पोजीशन पे, 5 होल्ड करके रखें, 1 2 3 4 5 और 5 सेकेंड होल्ड करने के बाद ऐसे रिलीज कर दें। तो इसके भी आप 3 सेट बना लें और इन तीनों सेट में कम से कम 10 या 15 राउंड के रिपीटेशन करें। अब अगले आसन का अभ्यास कर रहे हैं जिसका कि नाम है वीरभद्र आसन नंबर 2। इस आसन का अभ्यास बड़ा ही आसान है। दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ा, अब दोनों पैरों के बीच में भी वापस से 3 से 3.5 फीट का फासला कर लिया। अब सबसे पहले ये अभ्यास मैं राइट साइड कर रही हूँ तो मेरे राइट पैर के पंजे को देखें। राइट पैर के पंजे को मैंने ऐसे बाहर की तरफ घुमा दिया 90 डिग्री, लेफ्ट पैर के पंजे को अंदर की तरफ कर लिया। अब लेफ्ट पैर को आप देखिए
कि लेफ्ट पैर घुटने से मुड़ेगा नहीं, सिर्फ राइट पैर को मैं घुटने से ऐसे मोड़ूंगी कि राइट घुटना और राइट एंकल एक लाइन में आ गया है, और दोनों हाथों को ऐसे सीधा कर लिया। अब जब सीधा करेंगे तो अपना ध्यान राइट हाथ की बीच वाली उंगली पर, मिडिल फिंगर पर रखेंगे, और बहुत आगे ऐसे नहीं झुकेंगे या बहुत पीछे ऐसे नहीं झुकेंगे, सेंटर। फिर इसको होल्ड करने के बाद दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखा, राइट पैर को अंदर कर लिया, लेफ्ट पैर को ऐसे बाहर की तरफ, लेफ्ट पैर के पंजे को बाहर की तरफ, वापस से लेफ्ट पैर के घुटने को मोड़ा 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 मोड़ा, और दोनों हाथों को टी की पोजीशन पे लेके आ गए और होल्ड करके रखा। 1, 2, 3, 4, 5, और दोनों हाथों को वापस से कमर के ऊपर रख लिया। सांस ले सेंटर, सांस छोड़े वीरभद्र आसन 2 ऑन योर राइट। 1, 2, 3, 4, 5, सांस ले सेंटर और सांस छोड़े वीरभद्र आसन ऑन योर लेफ्ट। इसको चाहे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करें, और सांस लें सेंटर, सांस छोड़ते हुए होल्ड करें। अगर इस पोस्चर को आप 1 मिनट तक रोक रहे हैं तो सांसें नॉर्मल लेते और छोड़ते रहें। चेंज कर दें लास्ट राइट, तो इसको भी आप, हमने 3 सेट किया, और आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो, जितनी देर रोकने में कंफर्टेबल हो रोकें, एंड वापस से रिलीज कर दें। दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ें, और अब हम आराम करेंगे शवासन में। तो आराम से ऐसे बैठ गए, तो देखा आपने कितना आसान था इन योगाभ्यासों की मदद से अपनी पूरी की पूरी लोअर बॉडी को मजबूत और साथ ही साथ फ्लेक्सिबल बनाना। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं आपकी पसंद के किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, आप सजेस्ट कीजिए कि कौन से टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ, और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियो बना के। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी आप सभी, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। और जाने से पहले आई एम श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्ते।